फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मजा लेते रहिए। कहते हैं ना कि टॉप फाइव में वही खबर बन पाती है जो काफी वायरल हो जाती है। उन्हीं वायरल को लेकर आए हैं हम टॉप फाइव बड़ी खबरों में। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके रिंकु धवन की और ईशा मालविया की, दोनों ही जो है बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी है। ऐसे में कुछ दिन पहले जो है, अगर ईशा मालविया के कोई बेस्ट फ्रेंड या एक्स की बात होती थी तो ऐसे में जो है रिंकु धवन ने कहा वो एक महत्वाकांक्षी हैं और जो है इस उम्र में इस तरह का जो है कह सकते हैं डेटिंग शेटिंग होती है। जब ईशा मालविया को पता चला कि रिंकु धवन ने मेरे बारे में ऐसा बोला है तो उन्होंने उसकी मैरिड लाइफ पर जो है वॉर किया, कहा कि खुद तो तलाकशुदा हो और दूसरे को ज्ञान बांटती हो। ऐसे में रिंकु धवन ने कहा, मैंने तुमसे कुछ ऐसा गलत नहीं कहा था, सिर्फ मैंने तुम्हें बोला था तुम महत्वाकांक्षी हो। ऐसे में बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, वो है प्यारे से ये रिश्ता क्या कहलाता है। कल से ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ऐसे में वजह है कि अरमान और अभीरा दोनों एक साथ नजर आए, जहां पे अरमान ने बैचलर पार्टी में अपने फ्रेंड से सेव किया अभीरा को और गले लगाया। ये देखकर फैंस बागवान हो गए और फैंस ने उन्हें ट्विटर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर दिया। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की, ईशा मालविया के रिश्ते पर जो है अभिषेक का बयान। ऐसे में भारती सिंह ने अभिषेक से एक इंटरव्यू लिया और पूछा, अगर तुम अपनी एक्स के पास दोबारा वापस जाना चाहोगे या वो तुम्हारे पास वापस आना चाहेगी तो क्या आप जो है खुश हो जाओगे? ऐसे में जो है अभिषेक ने तुरंत बोला नहीं। इसका जवाब था कि वो अपने पास्ट में जाना नहीं चाहते और इशारा साफ साफ जो है ईशा मालविया की तरफ था। बात करते हैं आपके अब्दुल जोकिम की, जो जल्दी ही शादी के बंधन में बनने वाले हैं। सभी को कहीं ना कहीं शादी का इन्विटेशन दे रहे हैं। उसी के बीच में सुम्बुल तौकीन खान से पूछा गया, क्या आप अब्दू की शादी में जाने वाली हैं? तो ऐसे में उन्होंने मीडिया के सामने बताया कि अब्दू ने उन्हें शादी में इनवाइट नहीं किया है। ऐसे में ये खबर काफ़ी तहलका की तरह वायरल हो गई कि बिग बॉस में वो तो मंडली के साथ थे, ऐसे में अपनी मंडली को भी नहीं बुलाएंगे, स्पेशल सुम्बुल को, तो क्या सुम्बुल से भी कोई नाराज़गी छाई हुई है? अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी खबर की, भाई टीवी के एक्टर नकुल मेहता ने साउथ सुपरस्टार नंद मूरी बालकिशन को खरी खोटी सुनाई बहुत ज़्यादा। वजह क्या थी? वजह थी कि एक्टर एक वीडियो के सामने आए और जिसमें वो एक साउथ एक्टर्स को अवार्ड शो के स्टेज पर धक्का दे रहे थे। ऐसे में ये वीडियो आपकी तरह वायरल होने लगी। ऐसे में जब नकुल मेहता ने देखा तो खरी खोटी सुनाई, ये भी नहीं सोचा कि वो सुपरस्टार है, साउथ के पॉपुलर है। ऐसे में वो वीडियो देखकर हर कोई काफ़ी शॉकिंग में है कि किसी एक्टर के साथ, साउथ एक्टर्स हो या कोई भी, स्टेज पर ऐसी बदतमीजी क्या हो सकती है? जब पब्लिक के सामने इस तरह किया जा रहा है तो पर्दे के पीछे क्या क्या होता होगा। तो इस तरह की खबरें आग की तरह वायरल हुई हैं। तो ये थी आपकी टॉप फाइव बड़ी खबरें। इनमें से आपकी फेवरेट न्यूज़ कौन सी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।